Water contains many impurities such as bacteria, mud, sand, mineral salts and the remain of dead plants and animals. Impurities किस तरह बन जाती है पानी के अंदर, जैसे बैक्टीरिया उसमें चले गए, मिट्टी, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह, और जो मुर्दा पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो सब जब पानी में चले जाते हैं तो वो पानी इम्प्योर हो जाता है. प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इन द लेबॉरेटरी. लेबॉरेटरी में पानी को कैसे प्योरीफाई किया जाए, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी बिल्कुल साफ हो जाता है. वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन. वाटर इज हीटेड इन अ फ्लास्क टू फॉर्म स्टीम. एक फ्लास्क में पानी को हीट अप करते हैं ताकि उसमें स्टीम बने, भाप बने. द वेपर दैट इज प्रोड्यूस इज कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड वेपर वाटर. और जब वो वेपर जब जाते हैं ट्यूब में इस तरफ को, तो फिर वो उनको ठंडा किया जाता है, और जैसे पानी जो स्टीम था, जो भाप थी, वो ठंडी हुई, वापस पानी बन गई. द वेपर इज कूल्ड इन एन एपरेटस कॉल्ड लीबिग कंडेंसर. लीबिग कंडेंसर है जिसके अंदर जब पानी को ठंडा किया जाता है, उस भाप को, जिसकी वजह से वो वापस पानी बन जाता है. प्योरीफाइंग एंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने वाले पानी की प्योरीफिकेशन किस तरह की जाती है. वाटर दैट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज. पानी जो हम पीते हैं वो ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए हर तरह की चीज़ों से. इट शुड हैव नो टेस्ट, कलर और स्मेल. इसमें कोई कलर, स्मेल और टेस्ट नहीं होना चाहिए. इन ऑर्डर टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, अगर हम चाहते हैं कि पानी को हम साफ करें ताकि हम पी सकें, इट इज़ प्रोसेस्ड इन अ प्योरीफिकेशन प्लांट वेयर इट गोज थ्रू डिफरेंट फिल्ट्रेशन टैंक्स टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटीज इन इट. तो इसको जो हम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हैं प्योरीफिकेशन प्लांट में, जहाँ पे हर तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि इनसॉल्युबल थी, उनको अलग कर दिया जाता है. क्लोरीन इज एडेड टू इट टू किल जर्म्स. क्लोरीन को ऐड किया जाता है ताकि वो जरासीम को मार सके. एंड देन इट इज स्टोर इन ह्यूज टैंक्स फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स. उसके बाद बड़े बड़े टैंक्स में उनको सेव कर लिया जाता है और वो हमारे घरों तक पहुँच जाते हैं.